हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद आप IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड के संदर्भ में ये वीडियो आप देख रहे हैं। मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी समय के बाद इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल रही है। और आज कहानी कहाँ से शुरू होती है? आज कहानी शुरू होती है IDFC लिमिटेड, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ओन करती है। उस कंपनी को एक अधिकार मिल गया है RBI के द्वारा कि वो IDFC फर्स्ट बैंक में अपना हिस्सा बेचकर बाहर जा सकती है। और जैसे ही ये खबर एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म की तो व्यापारिक जगत के अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्या IDFC फर्स्ट बैंक का रिवर्स मर्जर IDFC बैंक के अंदर हो जाएगा? यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक क्या IDFC लिमिटेड को खरीद कर जो IDFC के पास जो शेयर्स हैं उनको कैंसिल कर देगा? तो सिंपल सी बात यह है कि इस चर्चा के अंदर हम आपके साथ खुलकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। और इस तरीके के और टॉपिक भी जो है आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा डेली एनालिसिस जो है हम करते हैं स्टॉक मार्केट का, वो भी आप रोज़ वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहली बात है कि IDFC फर्स्ट बैंक क्या और IDFC फर्स्ट बैंक क्या चाहता है। IDFC फर्स्ट बैंक क्या चाहता है वो तो मैं अभी बाद में चर्चा करूँगा। देखिए, ये IDFC फर्स्ट लिमिटेड जुलाई 21 को ये इन्फॉर्म किया। जुलाई 21, 2021 में क्या इन्फॉर्म किया? इन्होंने इन्फॉर्म किया, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ वाइड इट्स लेटर नंबर दिस एंड दिस। जुलाई 20, 2021 क्लैरिफाई दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर IDFC लिमिटेड कैन एग्जिट एज द प्रमोटर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। देखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक जब बना तो IDFC लिमिटेड में से ही जो है असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र की गई थी IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। और IDFC लिमिटेड को लाइसेंस मिला था IDFC फर्स्ट बैंक बनाने का। तो IDFC लिमिटेड आज लीगल प्रमोटर है IDFC फर्स्ट बैंक का, और उसको ये अधिकार दे दिया गया है कि IDFC लिमिटेड चाहे तो अपना प्रमोटर का हिस्सा छोड़ सकता है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। तो उनको ये सबसे पहली बात लीगल अधिकार मिल गया है। अब IDFC फर्स्ट बैंक कितना परसेंट ओन करता है? तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमने BSE के साइट से कलेक्ट की है उसके मुताबिक 36.56 जो है परसेंट होल्डिंग जो है IDFC लिमिटेड के पास है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, जो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी IDFC फाइनेंस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है ओन करती है। तो ये जो 36.56% होल्डिंग है ये IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर IDFC लिमिटेड की है। तो अब इसके ऊपर जो है बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो अब अपनी राय रख रहे हैं, उसमें से मेरी राय क्या है वो मैं अब आपके साथ चर्चा करूंगा। तो बाजार के अंदर एक सुगबुगाहट हो गई है कि रिवर्स मर्जर होगा। रिवर्स मर्जर का मतलब कि IDFC फर्स्ट बैंक IDFC लिमिटेड को खरीद लेगा। तो खरीदेगा तो क्या होगा? IDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा, और IDFC लिमिटेड का शेयर का भाव है 52.75 रुपीज़, और करीबन 51 रुपीज़ के आसपास IDFC फर्स्ट बैंक चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है पेमेंट देगा IDFC लिमिटेड के लिए। तो IDFC लिमिटेड के जो शेयर्स की वैल्यू 52.75 है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 8,420 करोड़ रुपये। अब ये पैसा अगर IDFC लिमिटेड को मिलता है तो रिवर्स मर्जर हो सकता है, लेकिन रिवर्स मर्जर से पहले IDFC लिमिटेड को अपना म्यूचुअल फंड्स बिजनेस जो है सेल करना पड़ेगा। तो उनके पास एक म्यूचुअल फंड्स बिजनेस है, तो वहाँ से भी करीबन 2,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू आ सकती है। सही आकलन लगा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ के बीच में उसकी वैल्यू आकी जा रही है। तो हम एक फेयर वैल्यू 2,000 करोड़ के आसपास ले रहे हैं। कुछ एनालिसिस जो है उसको 2,500 या 3,000 तक भी लेते हैं, तो 2,000 करोड़ तक हम मानते हैं कि चलिए वो वैल्यू होगी। तो बात यह निकल कर आती है कि करीबन 7,000 करोड़ या 6,500 करोड़ के बीच का जो पैसा है वो IDFC फर्स्ट लिमिटेड को देना पड़ेगा कैश में, अगर रिवर्स मर्जर होता है तो। तो अब मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि क्या ये मर्जर हो सकता है, रिवर्स मर्जर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या IDFC लिमिटेड के पास कोई और भी ऑप्शन है कि वो IDFC फर्स्ट बैंक में से एक प्रॉफिटेबल एग्जिट कर जाए।
तो यहाँ पर मैं चर्चा आपके साथ करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिएगा, IDFC लिमिटेड है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोन बुक है वो IDFC फर्स्ट बैंक में डाल दी थी, और IDFC फर्स्ट बैंक आज 5 साल होने के बावजूद भी आज तक जूझ रहा है अपनी नॉन परफॉर्मिंग असेट से, और कोविड की सिचुएशन ने और प्रॉब्लम जो है सीवियर कर दी है। तो पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो बैंक जो है बिल्कुल ना के बराबर प्रॉफिट पे है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में केवल और केवल IDFC फर्स्ट बैंक में वेल्थ ही डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन कोविड से पहले इस बैंक के अंदर एक काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की हम संभावना देख रहे थे, लेकिन कोविड ने IDFC फर्स्ट बैंक की जो है पूरी की पूरी जो है तस्वीर बदल दी। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक को प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अपने बैंक में करीबन 5,000 करोड़ की नई इक्विटी डालनी पड़ी, जिसकी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक सर्वाइव कर पाया। तो ये तो है IDFC फर्स्ट बैंक की जो है फाइनल पोजिशन। वी वैद्यनाथन जी जो है काफ़ी अच्छे से जो है IDFC फर्स्ट बैंक को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक उभर नहीं पाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हाल IL&FS का हुआ वही शायद IDFC का भी हो जाता अगर इसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता तो। क्योंकि जिस तरीके की लोन बुक थी IL&FS की, सिमिलरली इनकी भी लोन बुक कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो जो NPE हैं वो बाद में निकल कर आए तो वो बाद में सबको पता चला, लेकिन क्योंकि इनके पास बैंक था तो ये सर्वाइव कर गए। और बैंकिंग लाइसेंस अपने आप में एक प्राइम वैल्यूएशन से जो है रखती है इंडिया के बाजार में। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो है मर्जर जब कैपिटल फर्स्ट के साथ हुआ तो बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी जो है सुधार हुआ IDFC फर्स्ट बैंक की, और हम भी पर्सनली उसमें लोअर वैल्यू के ऊपर काफ़ी अच्छी पोजिशन रखते थे। मेरे पास अभी भी IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर अच्छी पोजिशन है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब जो मेरे पास जो शेयर्स हैं वो फ्री के बराबर हैं, या उसकी कोई कॉस्ट नहीं है मेरे पास। तो मेजर जो स्टेक है वो IDFC फर्स्ट बैंक में से मैं सोल्ड आउट कर चुका हूँ, ये मैं आपको पिछले जो है समय के दौरान भी बताता रहा हूँ। तो क्योंकि काफ़ी नीचे ये शेयर्स का प्राइस गया था तो हमने वहाँ पे भी एकुमुलेट किया था, लेकिन जब कोविड की सिचुएशन सीवियर हुई और फिर हमें पूरे फाइनेंशियल्स पे डाउट हुआ पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो हमने इसमें प्रॉफिट बुक करना जो है उचित समझा, और जब शेयर प्राइस ऊपर थे तो अल्टीमेटली ये मेरी पोजीशन है। तो अभी भी शेयर्स में ऑन करता हूँ, लेकिन जो भी शेयर्स हैं वो लगभग फ्री के हैं। अभी यहाँ पर बात ये आती है कि जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसमें पहला है मर्जर, तो पहली ऑप्शन पर बात करूँगा, दूसरी ऑप्शंस पर या तो इसी वीडियो में अगर समय होगा तो, नहीं तो दूसरी वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। ऑप्शन नंबर 1 कि रिवर्स मर्जर कर दें। तो रिवर्स मर्जर में होगा क्या कि रिवर्स मर्जर में आपको पहले RBI की परमिशन लेनी होगी, शायद मिल जाएगी, SEBI की परमिशन मिल जाएगी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, NCLT से शायद मिल जाएगी, सभी जगह से परमिशन मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है IDFC फर्स्ट बैंक। अगर IDFC फर्स्ट बैंक को अगर आप देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक को 6,000 करोड़ रुपए का कैश देना पड़ेगा, और IDFC फर्स्ट बैंक को वो कैश देने के लिए या तो बाजार से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा या अपनी बैलेंस शीट में से वो पैसा देना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में तो मुझे लगता नहीं इतनी हालत है कि करीबन 6,000 करोड़ के आसपास इस वैल्यूएशंस पर जो है IDFC फर्स्ट को कैश पेमेंट कर दी जाए और जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाए। अगर ऐसा होता है, अगर बैलेंस शीट स्ट्रोंग है और 6,000 करोड़ का कैश दे दिया जाता है, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो छोटी हो जाएगी और बैंक जो है कम कैपिटल के साथ ज़्यादा EPS जनरेट करेगा और शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। दूसरा ये है कि जो इस कंपनी के अंदर दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में आप देखेंगे, वारवर पिनकस है। तो वारवर पिनकस जो है वो यहाँ पर दो फर्म्स हैं, देखिएगा आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आपको एक दिखेगी डे साइड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, ये वारवर पिनकस की फर्म है। तो वारवर पिनकस और वारवर पिनकस की दूसरी फर्म है क्लोवडेल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये करीबन जो है 9% के आसपास का हिस्सा रखते हैं, और ये IDFC फर्स्ट के बाद सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं तो ये दोनों क्या चाहेंगे कि भाई साहब रिवर्स मर्जर हो जाए या ना हो जाए? तो वारवर पिनकस चाहेगा कि रिवर्स मर्जर हो जाए। अब वारवर पिनकस तो चाहेगा कि रिवर्स मर्जर हो जाए, और क्योंकि अगर ये शेयर होल्डिंग हट जाएगी करीबन 36.56% की होल्डिंग, तो वारवर पिनकस सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर हो जाएगा। तो वारवर पिनकस इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प ले सकता है या अपनी खुद और इक्विटी डाल के
रिवर्स मर्जर के लिए कोशिश कर सकता है। और ये वारवर पिनकस के लिए एक सबसे बढ़िया गेम होगा कि वो एक अच्छे बैंक को कंट्रोल कर पाएगा। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 50 रुपये के भाव पर IDFC लिमिटेड अपनी होल्डिंग नहीं देने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे पूरी होल्डिंग के अंदर, तो सरकार का हिस्सा भी जो है इसके अंदर है, और सरकार का जो हिस्सा है वो 4.21% है। तो जो सरकारी हिस्सा है उसको भी लगा दें तो ये सरकारी हिस्सा भी शायद उस समय पे कैंसिल करना पड़े, तो करीबन 40% से ऊपर होल्डिंग बनती है। अब 40% से ऊपर होल्डिंग बनती है तो इसके लिए क्या IDFC फर्स्ट बैंक ये पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा या नहीं होगा? तो ये जो है सबसे खास बात है कि ये जो पेमेंट होती है, तो इस पेमेंट के लिए पहली बात तो ये कि कैश कहाँ से लाएंगे। अगर कैश का इंतजाम कर भी लिया जाए तो क्या IDFC फर्स्ट लिमिटेड ये जो है इन वैल्यूएशंस के ऊपर अपनी इक्विटी दे देगा? मुझे उसकी संभावना काफ़ी कम लगती है, क्योंकि देखिएगा इतने साल से इस बैंक को पाला पोसा है तो इन वैल्यूएशंस पर तो नहीं दिया जाएगा। अगर इन वैल्यूएशंस पर नहीं दिया जाएगा तो फिर समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि इन वैल्यूएशंस पर नहीं होगा तो सब ऊपर की तरफ वैल्यूएशन जाएगी। तो ऊपर की तरफ वैल्यूएशन जाएगी तो ऊपर की तरफ वैल्यूएशन जाएगी तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है सोच सकता है। अगर ऊपर की तरफ वैल्यूएशन जाएगी तो IDFC लिमिटेड के पास तो देखिएगा विन विन सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक को जो है तकलीफ हो सकती है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है करीबन 25,000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर 25,000 करोड़ का भी अगर मार्केट कैप निकाले, उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकाले, तो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन से कम है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी अगर कल जब शेयर बाज़ार खुलेंगे तो जो भी कुछ पॉजिटिव आपको शायद देखने के लिए मिले वो IDFC लिमिटेड के अंदर देखने के लिए मिले, क्योंकि वो अगर IDFC फर्स्ट बैंक की आज की वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें और अगर 20% का टैक्स भी अगर हम एडजस्ट करें तब भी IDFC लिमिटेड के लिए जो है ये समझ लीजिएगा कि न्यूट्रल वैल्यूएशन आ रही है। तो IDFC लिमिटेड शायद इन वैल्यूएशन पर रिवर्स मर्जर ना करे, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि रिवर्स मर्जर इतना आसान है। हालांकि वारवर पंकज जो है खुश हो जाए अगर इसी वैल्यूएशन पर जो है रिवर्स मर्जर हो जाए तो। वारवर पिनकस के लिए तो देखिएगा, क्योंकि जब अगर 36% शेयर अट जाएंगे और 4% मान लेते हैं गवर्नमेंट का भी अट जाए, तो जो अभी होल्डिंग 9% है वो होल्डिंग जो है करीबन आप 40% इक्विटी हटने के बाद 16-17% हो जाएगी, और शायद RBI भी उसको शायद वन टाइम के लिए परमिट कर दे। तो वारवर पिनकस के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी अगर IDFC फर्स्ट बैंक निकल जाता है तो। और क्योंकि वो कैपिटल फर्स्ट को ओन करते थे और वी वैद्यनाथ जी अभी CMD है, तो बहुत अच्छे से जो है वारवर पिनकस का कंट्रोल आ सकता है। और ये हालांकि बैंक के शेयर प्राइस के लिए भी फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से इक्विटी कम होना और बाद में जब प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो EPS इम्प्रूव हो सकती है। तो इक्विटी का जो है डाइल्यूशन जो अभी पीछे हुआ है पिछले 2 साल के दौरान, उसका भी जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वारवर पिनकस के लिए और जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 की। तो हालांकि मुझे इसकी रिवर्स मर्जर की संभावना कम लगती है, क्योंकि IDFC लिमिटेड या सरकार जो है इतने ओने पौने दाम पर IDFC फर्स्ट बैंक में से हिस्सा नहीं निकालेगी, और वो भी उस समय पर जब कोविड की वजह से पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर वीकनेस है और शेयर्स ने कोई इतनी बड़ी तेज़ी भी नहीं की है। हालांकि 52-week लो से या आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी तेज़ी है, लेकिन अगर कोई 5 साल से इस बैंक के अंदर शेयर होल्डर है और उसने नीचे एवरेज नहीं किया होगा तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी IDFC फर्स्ट बैंक में नहीं हुई है। तो ये तो है पहला रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद रिवर्स मर्जर अलाउ ना हो। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? तो दूसरा रीज़न मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और दूसरा रीज़न ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर IDFC लिमिटेड अपना स्टेक किसी दमदार इंस्टीट्यूशंस को सेल कर दे, या IDFC लिमिटेड किसी दूसरे बैंक के साथ मर्जर प्लान कर ले और जिससे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंक जो है खड़ा किया जा सके। लेकिन वारवर पिनकस इस खबर को सुनते के साथ उसके पेट में दर्द हो जाना है, और वारवर पिनकस बिल्कुल नहीं चाहेगा
कि किसी दूसरे बैंक के साथ मर्जर हो, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग स्टेक जो है घटता हुआ नजर आएगा, और जो उसका कंट्रोल है इस बैंक के ऊपर वो भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। और नए बैंक के मर्जर के बाद एक और संभावना बनती है कि वी वैद्यनाथन जी को क्या CMD रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है ये हो सकती है, लेकिन IDFC लिमिटेड के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि वो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना स्टेक जो है ट्रांसफ़र कर सकता है और उसको एक अच्छी वैल्यूएशंस भी मिल जाए, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक की जो ब्रांच की प्रेजेंस है या जो बाकी चीज़ें हैं वो मोनेटाइज हो जाएंगी। अगर इसकी लोन बुक में से करीबन 5-7 हज़ार करोड़ के जो बैड लोन से अगर वो सेटल हो जाए, तो कोई बहुत बड़ा बैंक इसको एक्वायर कर ले, कोई इंस्टीट्यूशन एक्वायर कर ले, या RBI किसी ऐसे बिजनेस हाउस को अलाउ कर दे जो ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक चला रहे हों, या कुछ ऐसे पेमेंट बैंक चला रहे हों जिसमें रिलायंस का पेमेंट बैंक भी है, तो इस जैसे प्लेयर्स को अगर वो अलाउ कर देते हैं तो हो सकता है कि IDFC लिमिटेड अपना इतना बड़ा हिस्सा एक बहुत अच्छे प्राइस पर किसी बड़े प्लेयर्स को भी सेल कर दे, और उसके लिए उसको जो है NCLT की भी जो है परमिशन नहीं पड़ेगी। उसमें जो SEBI है, जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वहाँ से उसका काम चल जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की कवायद पहले भी हुई थी, जब बैंक का जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम ग्रुप के साथ मर्जर की बात हुई थी। इसके अलावा पिरामल जो है एक अच्छा ग्रुप हो सकता है, क्योंकि पिरामल की जो फाइनेंशियल आर्म है वो कोशिश कर सकती है कि जी ठीक है जी हम इस स्टेक को ले लेते हैं, तो वो IDFC फर्स्ट बैंक को कंट्रोल करना चाहें, या 10-12, 9, 9.5% 9.9% हिस्सा वो ले सकते हैं, या कुछ कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स को ये बेचा जा सकता है कि 36% है, कुछ पुरामल को बेच दिया जाए, कुछ रिलायंस को बेच दिया जाए, या कुछ ऐसे जो आपस में कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको सेल कर दिया जाए, वहाँ पर एक अच्छा भाव IDFC फर्स्ट बैंक का जो है मिल जाए IDFC लिमिटेड को। तो इस बात की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा, और इसमें लीगल प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात है कि वारवर पिनकस इस बात के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस न्यूज़ से IDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है, और सबसे खास बात यह है कि इस न्यूज़ की वजह से IDFC लिमिटेड के शेयर्स के अंदर डाउन साइड रिस्क कम हो जाएगा। हालांकि अगर IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स में किसी तरीके की कोई डिटोरिएशन होती है या उसकी वैल्यू थोड़ी नीचे की तरफ आती है, तो वो तो फिर देखिएगा IDFC लिमिटेड के लिए भी जो है एक रिस्की प्रोपोजिशन हो सकती है। बट ये कुल मिला के दोनों के लिए ठीक है, और अब क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक को कोई भी खरीदने की कोशिश करेगा और उसके खरीदने के लिए IDFC लिमिटेड के पास होल्डिंग है, तो शायद IDFC फर्स्ट बैंक को भी कोई शॉर्ट करने की कोशिश ना करे इन हालात के अंदर, क्योंकि एक उभरते हुए बैंक को हर कोई खरीदना चाहेगा। इसके अलावा ये भी संभावना हो सकती है कि RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, या इवन ICICI बैंक जैसे बैंक जो है अपनी ब्रांच एक्सपेंशन के लिए इस तरीके के बैंक को एक्वायर करने की जो है कोशिश करें, लेकिन उसकी परमिशन RBI से मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन जो पेनिट्रेशन है बैंकिंग का, IDFC फर्स्ट बैंक के जो मैनेजमेंट है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले ICICI बैंक में थे, इवन वी वैद्यनाथन जी भी जो है ICICI बैंक की ही लिए काम करते थे, तो इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं कह सकता। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल की वजह से, सॉरी ये जो SEBI ने जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से, और फिर जो न्यूज़ आर्टिकल्स पेपर्स में चल रहे हैं, तो उनका क्या औचित्य जो है बनता है वो सब मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की। तो देखिएगा जिन लोगों को ये डाउट हो कि ये डे साइड जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन सी कंपनी, तो देखिएगा ये वारवरी पिनकस की आर में जब 2 हज़ार करोड़ का इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की थी तब ये खबर आई थी, और इस तरीके से पूरी होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर, और इस तरीके से आप देखेंगे कि 25 हज़ार करोड़ का बैंक जो है उसकी 36% होल्डिंग एक 8 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास है। तो अल्टीमेटली IDFC लिमिटेड के लिए ज़्यादा अच्छी खबर जो है मुझे लगती है, हालांकि IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी खराब खबर नहीं है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स की अगर वैल्यू अगर 8,420 के हिसाब से एडजस्ट होती है तो IDFC फर्स्ट बैंक में कमजोरी हो सकती है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शंस हो सकती है वो तो आगे आने वाले समय में ही बात होगी, लेकिन एक तीसरी ऑप्शन है कि IDFC लिमिटेड अभी आराम करती रहे। तीसरी ऑप्शन ये है कि वो आराम करती रहे और जब तक IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छी वैल्यूशन ना आए वो अपनी होल्डिंग ना सेल करे। और
ये संभावना मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती है अभी भी, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर प्राइस ऐसा नहीं है अभी भी जिसकी वजह से IDFC लिमिटेड उसको बेचने का प्लान करे। तो अगर शेयर प्राइस 100 रुपये के आसपास होता तो हो सकता है कि IDFC लिमिटेड जो है इसको बेचने की कोशिश करे या कुछ एग्जिट करने की कोशिश करता। और इन्हीं सारी कैलकुलेशन के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।